सर आप यहाँ आए हैं, आप किसान सम्मेलन आयोजित हुआ है और किसानों की स्थिति काफ़ी ख़राब है, दयनीय है और कई जगह किसानों के ऊपर अत्याचार, ऐसे में 2022 के चुनाव कैसे प्रभावित होंगे, क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, भारत सरकार की और राज्य सरकार की दोनों की ही इस स्थिति के ऊपर नज़र है और किसानों की भलाई के लिए हमेशा केंद्र सरकार भी प्रदेश सरकार भी तत्पर है। ये प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं लेकिन इनका निराकरण भी जितना तत्परता से मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने किया है इतना कभी किसी सरकार ने नहीं किया है। और छोटे सीमांत और मार्जिनल जो किसान हैं उनके खाते में लगातार 2000 रुपये हर 4 महीने के बाद किसान सम्मान निधि के तौर पर आ रहे हैं ताकि किसान को रोजी रोटी की समस्या ना आए। और उसके साथ साथ कृषि को आधुनिक बनाने के लिए नई कृषि कानूनों में जो प्रावधान किए गए हैं वो कुछ समय के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको स्टे किया है। जैसे वो स्टे हट जाएगा आम किसान के प्रति जब नीतियाँ शुरू होंगी तो उसको पता चल जाएगा कि कृषि कानून कितना बेहतरीन कानून है जो आम किसान की भलाई के लिए बनाया गया है। जब से कृषि कानून बनाया गया है किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो इससे क्या चुनाव प्रभावित होंगे? नहीं, दरअसल क्या है, आप देख रहे होंगे, आपने वीडियो भी देखी होंगी कि छोटे किसान को भ्रमित करने के लिए वो कुछ ऐसे जो सामंतवादी जो लोग हैं वो लोग जो इस व्यवस्था के ऊपर वो काबिज हैं, जो आड़त का भी काम करते हैं, दलाली का भी काम करते हैं, ठेकेदारी का भी काम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, इसलिए वो छोटे किसान को भ्रमित किए हुए हैं। और आपने देखा होगा दिल्ली की सीमाओं के ऊपर शुरू में पंजाब से 20-25 लाख के ट्रैक्टर लोग लेके आए थे, आंदोलन कर रहे थे। और जिस तरह से 26 जनवरी को घोड़ों के साथ वहाँ पर लाल किले के सामने नंगा नाच किया गया, उसके बाद उनकी समझ में आया कि ये तो किसान को पता चल जाएगा तो बड़े बड़े साहूकार किसान हैं वो तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं। अब वो सारे ट्रैक्टर वापस हो गए, टूटे हुए ट्रैक्टर उनकी जगह खड़े कर दिए। तो इस साजिश का आम किसान को अब पता चल गया है और जल्दी ही जैसे सुप्रीम कोर्ट का स्टे होगा और जब किसान के ये कृषि कानून उपयोग में आएंगे तो पूरे हिंदुस्तान के किसान की दशा और दिशा बदल जाएगी। तो क्या 2022 के चुनाव में किसान सरकार का साथ देगा? बिल्कुल देगा।